हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्रोच। देखिए, ये मल्टीपर्पज़ ब्रोच है। ये आप जूड़ा पे, साड़ी पिन की तरह और टाई पिन की तरह कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो ऐसा एक कार्डबोर्ड लेना है पतला, जो शर्ट में निकलता है या कहीं से भी, जो आपके पास जैसा भी अवेलेबल हो। उसके अलावा ये कट मोती लेना है। ये देखिए, ये कट मोती दो साइज में लेने हैं, एक ये बड़ा और एक ये छोटा। ये कट मोती लगेगा। और ये चेन है, स्टोन चेन है, ये राइन चेन बोलते हैं इसको। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हैं। और ऐसी पिन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये आप देखिए, ये पिन लगेगी बस इतनी सी चीज़ों में। और फेविकॉल, इतनी सी चीज़ों में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ऐसे कट कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये आप ये कट किया हुआ पीस है। और इसके सेंटर में हम फेविकॉल से ये फेविकॉल थोड़ा सही मात्रा में लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए। अब इसके चारों ओर हम ये स्टोन चेन लगाएंगे। ये मैंने पहले से ही मेजर करके कट करके रख लिया है, आपको मेजर करके इसे कट कर लेना है। और ध्यान रखिएगा कि फेविकॉल हमेशा कोन से या उससे लगाएं, हाथ आपके गंदे ना हो, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं तो वो मार्क आ जाता है उस पर। ये घूमे ना चेन, इसको ऐसे करके कर देते हैं। अब बस क्या करना है, एक मोती स्टिक करना है, ये हाफ कट मोती जो है छोटे साइज का वो स्टिक करना है। और ये दो ये स्टिक करना है। इस तरह से हम पूरा प्रोसेस कर देंगे। देखिए, अभी ऐसे तैयार हो गया है। और हमें इसके पीछे फेविकॉल से या इससे ये चिपका देना है। तो लाइए मैं चिपका के दिखाती हूँ। ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं आप। और इसे थोड़ी देर छोड़ना होगा ताकि ये प्रॉपर स्टिक हो जाए। तो देखिए, मैंने पहले से बना रखा है, ये प्रॉपर स्टिक हो गया है। और इसका आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने जूड़े पे लगाया है, तो ये देखिए जूड़ा पिन कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप टाई पे एज अ ब्रोच लगा सकते हैं, साड़ी पिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनाया था, तब मैंने भात में टीका करके सब भाई भाभी भतीजे भतीजियों को ये ब्रोच लगाया था। उससे अलग ही पता चल रहा था कि ये सब मामा साइड के लोग हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। और आगे आप किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे गाइड करेंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच।